हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर गांव घिलोई के पास देर रात टूरिस्ट बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि देखते ही देखते बस और ट्रक दोनों आग का गोला बन गए। जिस वक्त बस में आग लगी, लोग बचने के लिए बस की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकले। आसपास मौजूद लोगों ने भी बस में सवार कई यात्रियों की जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस से करीब 25 यात्रियों को बचाया गया। बचाए गए यात्री आग से काफी झुलस गए थे। आनन फानन में सभी घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 13 घायलों यात्रियों की हालत नाजुक होने पर उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी और कानपुर मंडल के भी अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। घायलों का हाल जानने के लिए भाजपा सांसद सुब्रत पाठक भी मौके पर पहुंचे। डेड बॉडी इस बस में, मतलब कितने लोग फंस गए थे और कितनी डेड बॉडियां इस समय इसमें मौजूद है, उन दृष्टिया देख लेते। 8-9 लोगों की डेड बॉडी इस बस में प्रतीत हो रही है, लेकिन कुछ सब इतने चकनाचूर हड्डियां हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं कि उनकी अस्थियों को कलेक्ट करने के बाद उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत ही ये बस हो पाएगा, एग्जैक्ट संख्या आपको मिल पाएगी कि इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है। देखिए, यहाँ पर यही घटना स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर थाना छिबरामऊ है, वहीं पर तहसील है, वहीं पर एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है और गुरसाईगंज कस्बे जहाँ से सवारियाँ चढ़ी थी वहाँ पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ के इंस्पेक्टर वहाँ पर मौजूद हैं। जो भी व्यक्ति, जिसका घर का कोई व्यक्ति इस बस में चढ़ा था और घर नहीं पहुँचा है या अस्पताल में नहीं है, वो इन दोनों जगह से जानकारी प्राप्त कर सकते। देखिए, एक डबल डेकर बस जो यहाँ से जयपुर के लिए जा रही थी, उसका चश्मदीदों के हिसाब से उसने उस बस के ड्राइवर अधिक गति से गाड़ी चलाने के कारण से उसने एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट में आग लग गई। आग लगने में काफ़ी लोग जो अंदर उस बस में थे उसमें तो बहुत से लोग घायल हैं और कई लोगों की उस घटना में मृत्यु हो गई। जो जानकारी के हिसाब से अभी तक लगभग 25 लोग ऐसे हैं कि जिनको इस घटना में बचाया जा चुका है और वो लोग घायल हैं। कुछ लोग यहाँ के ऊपर एडमिट हैं सौसैया अस्पताल छिबरामऊ में, 13 लोग यहाँ से रिफर कर दिए गए हैं। लगभग 25 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। मरने वालों की एक सही पुष्टि अभी नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी ये लगभग मान के चल रहे हैं कि 20 से ऊपर लोगों की मृत्यु इस घटना में हो रही है। कानपुर जान के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि बस में 45 यात्रियों के होने की जानकारी हुई है, जिनमें से 25 यात्रियों को दुर्घटना में बचाया गया और 20 से 21 यात्री की मौत हो गई है और घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम मौजूद बस के अंदर मृत लोगों की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। बस में सवार यात्रियों को बचाने वालों ने बताया कि हादसा जैसे ही हुआ, वो लोग बल्ली से बस की खिड़की का शीशा तोड़ने लगे। महिलाओं ने अपने बच्चों को नीचे फेंक दिया, खुद भी खिड़की से नीचे कूदी, लेकिन बहुत से यात्री अंदर ही फंसे रह गए, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने बताया कि बस में करीब 60 से 70 यात्रियों के सवार होने का अनुमान था। टाइम 24 न्यूज के लिए कन्नौज से महमूद तारिक की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज,
जज्बा सच दिखाने का।